नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गीजा के महान पिरामिडों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गीजा के महान पिरामिड काहिरा मिस्र के बाहरी इलाके में स्थित विशाल प्राचीन पिरामिडों की एक श्रृंखला है। इन्हें प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक जाना जाता है और सदियों से दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का स्रोत रहा है। दोस्तों, पिरामिड पुराने साम्राज्य काल के 3 फिरौन के लिए कब्रों के रूप में बनाए गए थे। खुफू, जिसे चेप्स भी कहा जाता है, खापरे, जिसे सेप्रेन भी कहा जाता है, और मेनक्योर, या फिर कहे तो माइकेरिनोस। इन पिरामिडों का निर्माण 2500 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ और अनुमान है कि प्रत्येक पिरामिड को पूरा होने में 20 साल से अधिक का समय लगा था। दोस्तों, सबसे बड़ा पिरामिड जिसे खुफू के महान पिरामिड के रूप में जाना जाता है 480 फीट लंबा है और 1890 में एफिल टावर के निर्माण तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी। ऐसा माना जाता है कि महान के निर्माण में 1,00,000 से अधिक श्रमिक शामिल थे। पिरामिड प्रत्येक 80 टन तक के लाखों पत्थर के ब्लॉक का उपयोग करके बनाया हुआ है। पिरामिड न केवल इंजीनियरिंग के प्रभावशाली करतब थे बल्कि प्राचीन मिस्रवासियों के लिए उनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी था। यह माना जाता था कि पिरामिडों में दफनाए गए फिरौन बाद के जीवन में चढ़ेंगे और मर्तकों की दुनिया में शासन करना जारी रखेंगे। सदियों से पिरामिडों को लूटपाट और बर्बरता का शिकार बनाया गया है और बाहरी आवरण को हटा दिया गया है, फिर भी वे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल बने हुए हैं जो हर साल मिस्र में लाखों आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं गीजा के महान पिरामिडों के बारे में कुछ तथ्यों के। दोस्तों, गीजा के महान पिरामिड मिस्र की राजधानी काहिरा के बाहरी इलाके में स्थित है। पिरामिड फिरौन खुफू खपरे और मेनकोर के लिए कब्रों के रूप में बनाए गए थे। पिरामिडों में सबसे बड़ा खुफू का पिरामिड है जिसे ग्रेट पिरामिड भी कहा जाता है। यह 480 फीट से अधिक लंबा है और इसे प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक जाना जाता है। ग्रेट पिरामिड 3800 से अधिक वर्षों के लिए दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। ग्रेट पिरामिड में 2 मिलियन से अधिक पत्थर के ब्लॉक हैं तथा प्रत्येक का वजन 2 से 80 टन के बीच है। है ना हैरत अंगेज वाली बात दोस्तों? दोस्तों, पिरामिड लगभग 85 वर्षों की अवधि में बनाए गए थे तथा लगभग 2580 ईसा पूर्व से 2490 ईसा पूर्व तक बने थे। ऐसा अनुमान है कि ग्रेट पिरामिड के निर्माण में 1,00,000 श्रमिकों का श्रम लगाया गया था। पिरामिड का निर्माण उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके किया गया था जिसमें रैप लीवर और पुल्ली का उपयोग शामिल था। दोस्तों, पिरामिड मूल रूप से चिकने पॉलिश किए गए चूना पत्थर से ढके हुए थे जिन्हें सदियों से काफी हद तक हटा दिया गया है। खापरे के पिरामिड का कैपस्टोन के कारण एक आकर्षक रूप है जो अभी भी बरकरार है। ग्रेट पिरामिड में 3 कक्ष हैं जिसमें दफन कक्ष भी शामिल है जहां फिरौन के सरकोफेगस को रखा गया था। पिरामिड नील नदी के पश्चिमी तट पर बनाए गए थे जो प्राचीन मिस्र के धर्म में बाद के जीवन से जुड़ा था। ग्रेट स्फिंक्स एक मानव सिर के साथ एक शेर की मूर्ति पिरामिड के पास स्थित है और माना जाता है कि उसी समय के आसपास यह मूर्ति बनाई गई थी। दोस्तों, पिरामिडों का निर्माण कुशल मजदूरों और शिल्पकारों के कारीबल का उपयोग करके किया गया था जिसमें राजमिस्त्री, बढ़ई और कलाकार शामिल थे। पिरामिड को विशिष्ट खगोलीय घटनाओं के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे कि कुछ सितारों का उदय तथा अन्य। पिरामिड मूल रूप से मंदिरों और अन्य संरचनाओं से घिरे हुए थे जो समय के साथ बड़े पैमाने पर नष्ट हो गए हैं। दोस्तों, सदियों से आक्रमणकारियों और मकबरे के लुटेरों की लगातार लहरों से पिरामिड लूटे गए और कई पिरामिडों को क्षतिग्रस्त भी किया जा चुका है। ग्रेट पिरामिड को 9वीं शताब्दी में अरब खलीफा अल ममून द्वारा खोला गया था जो अंदर खजाना खोजने की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने इस पिरामिड में बहुत तोड़फोड़ की थी। 19वीं शताब्दी में विद्वानों और पुरातत्वविदों ने पिरामिडों का अध्ययन करना और उनके रहस्यों को उजागर करना शुरू किया था। दोस्तों,
आज गीजा के महान पिरामिड एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और दुनिया भर के आगंतुकों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करना जारी रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे गीजा के महान पिरामिड के बारे में कुछ तथ्य जो मैंने आपके सामने उजागर किए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और आने वाली वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।